हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस दोनों बल्ब को रिपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं चल रहा है। और इसको भी हम चेक करते हैं। देखिए, इसमें हल्का हल्का लाइट आता है और फिर चला जाता है। यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा लाइट है और ये तो कुछ भी नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आसानी से खुल गया। और इसको भी खोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर लेना है और इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम खोलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकल गया है। समझ रहे हो ना। और अब हम इसको पहले होल्डर में लगा लेंगे और इसके चिमटे की सहायता से इसको चेक करेंगे कि इसका कोई एलईडी तो खराब नहीं है। तो इस तरह से देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ये एलईडी शॉर्ट करने के बाद ये बल्ब जल गया। बाकी सभी एलईडी इसका जो है वो सही है। देखिए, सिर्फ एक एलईडी ये खराब है, इसके वजह से ये बल्ब पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था। और अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसको भी देखने के लिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एक एक एलईडी को शॉर्ट करना है। तो देखिए, इसका भी एक एलईडी खराब है। इस एलईडी को हम बदल देंगे, उसके बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो या तो आप इस एलईडी को बदल दें, या फिर ये वाला जो एलईडी है इसको सिर्फ रिमूव करके इसमें नया एलईडी लगा देंगे। तो यानी कि बल्ब भी जलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसका हमेशा एलईडी ही चेंज करें, ये पूरा पीसीबी को सिर्फ एक एलईडी चेंज ना करें, क्योंकि इसका वैल्यू मालूम नहीं होता है कि कितना क्या वैल्यू है। और अगर बिना वैल्यू का आप चेंज करते हैं तो ये एलईडी जो है ये बिक पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये बार बार खराब हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका जो है ये पीसीबी, इसको ही हमें चेंज करना है। तो इसको हम चेंज करते हैं। रुको जरा, सबर करो। और इसका भी निकाल, तो ये तो फ्रेंड्स इसमें चिपका हुआ है ये वाला, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। और अब पहले इसको निकालते हैं इस तरह से, और इसमें दूसरा पीसीबी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी नया पीसीबी लगा दें तो डायरेक्ट इसको इस तरह से मत लगा दें। इसमें पहले एक हीट से कंपाउंड लगा लें, जिससे कि इसको लगाने से ये होता है कि इसका जो हीट होता है वो हीट इस पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि ये पीसीबी ज़्यादा दिन तक चल पाता है, अन्यथा ये तुरंत खराब हो जाता है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये पेस्ट लगाना है इसमें। और अब इसका जो स्क्रू है उसको टाइट कर देना है। और इसका भी हम इसको पहले निकाल लेते हैं यहां से। तो ये देखिए निकल गया। और अब जो है इसमें हमें नैप लगाना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसमें पेस्ट लगा दिए हैं। और अब इसको हमें इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। और लगाने के बाद इसमें भी स्क्रू टाइट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका स्क्रू टाइट हो गया। और अब हमें इसमें सबसे पहले इस दोनों पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेना है। और अब ये वाला जो वायर है ये हमें प्लस में लगा देना है, जो कि रेड वायर होगा वो प्लस वायर होता है, तो उसको प्लस वाले पॉइंट पे लगा देना है। और ये जो ब्लैक वायर है इसको माइनस वाले पॉइंट पे लगा लेना है। तो ये बंद कर रेडी हो गया। इसका भी हमें पहले सोल्डिंग कर लेना है। और अब हम इसको करते हैं चेक। तो देखिए फ्रेंड्स,
अब ये बल्ब जो है बनकर रेडी हो गया और ये बल्ब प्रॉपर वर्क कर रहा है। शाबाश बेटा। और इस बल्ब को भी चेक करते हैं, तो ये बल्ब भी देखिए फ्रेंड्स, अब ये रेडी है और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।